एक बात और ध्यान रखना, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा माइंड एकाग्रता से पढ़ना। तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की सारी चीजें, दिमाग में मत लाना, उस टॉपिक पे ही ध्यान, टॉपिक पे ही दिमाग रखना। अब आप कहोगे सर एकाग्रता, तो एकाग्र ऐसी क्या एकाग्रता रखें कि बिल्कुल दिमाग में वही चीज आए हमारा? तो इसका भी मैं छोटी सी एक एग्जाम्पल बताता हूं। विवेकानंद के बारे में तो आपने सबने जाना होगा, उनकी एकाग्रता तो आप सभी और आप भी जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा उनकी एकाग्रता, तो आप भी कायल होंगे कैसे पढ़ते थे वो। और वो विदेश की यात्रा भी उन्होंने बहुत की। एक छोटा सा किस्सा है उनके विदेश की यात्रा का, आज मैं आपसे शेयर करूंगा। एक बार वो अमेरिका गए अपने फ्रेंड विलियम्स के यहाँ, वहां गए विलियम्स के यहाँ और कुछ उनसे काम से गए थे, फिर उनके घर पर ठहरे तो विलियम्स के पास बैठे थे। विलियम्स से कहा कि यार आप यहां बैठो और मैं 2 घंटे मार्केट में जाके आता हूं, मेरे कुछ काम है। विलियम्स वो बुक पढ़ रहे थे तो नरेंद्र विवेकानंद तो जी को वो बुक दी कि यार आप ये बुक तब तक पढ़ना, मैं मार्केट में जाके आ रहा हूं। विलियम्स मार्केट में गए, इधर विवेकानंद जी वो बुक्स पढ़ रहे थे। 2 घंटे बाद उनका फ्रेंड वापिस आया, गेट खोल के अंदर आ गया, विवेकानंद जी को पता ही नहीं। 2 बार आवाज लगाई, ऐसे पास में बैठे थे, विवेकानंद मैं आ गया हूं, विवेकानंद। उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, उनको पता ही नहीं पास में कौन है बिल्कुल। फिर उन्होंने विवेकानंद को झकझोरा, अरे यार मैं आ गया हूं यहां पे यार, तू ऐसे बिजी हो रहा बुक में, तू यार मेरे इंसल्ट कर रहा है। उसको थोड़ा इग्नो हट हो गया कि यार मैं आया और मेरे तक ध्यान ही नहीं दे रहा यार। वो मतलब एकदम एंग्री हो गया कि यार ये बहुत गलत बात है यार, मैं आया और तू मुझे भाव नहीं दे रहा है बुक में, इतना कितना बुक बिजी हो गया। तो विवेकानंद जी कहते हैं सच में यार, रियली यार मैं बुक्स पढ़ रहा था, मेरे को ध्यान नहीं यार, तुम आए सॉरी यार। वो कह यार यू आर टेलिंग अ लाइन, आप झूठ बोलो यार, मैं आया ऐसी 2 बार तुमको आवाज दे रही और लगाई और आप कह रहे हो कि आपको याद ही नहीं। यार सच में रियली मेरे को याद नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? विवेकानंद जी ने वो बुक आगे की विलियम्स को, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक। तो उसका फ्रेंड विलियम सडनली स्टॉप, सोचने पड़ गया यार इतनी बड़ी बुक मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूं और मेरे को अभी तक याद नहीं, और ये कह रहा कि यार कुछ भी पूछ लो बुक से, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। उसने सोचा यार विवेकानंद जी ऐसे मजाक कर रहे होंगे यार, इनको क्या पता होगा इतनी बड़ी बुक 2 घंटे में पढ़ लेंगे। उसने एक पेज निकाला बीच का और पूछा, एज इट इज, ऐसा का ऐसा उन्होंने विलियम्स को बता दिया जो बुक्स में था। उनका यार तुक्का होगा यार ऐसे, एक ठीक है एक पेज के दूसरा पेज देखते हैं, दूसरा पेज निकाला अंदर से, फिर भी वापस सेम एज इट इज बता दिया। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया यार कि कैसे आपने किया। यार बस विवेकानंद जी बोला कुछ नहीं यार, मैं बस एक बस यही तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब है, जब तुम आए थे मैं तुम्हें ध्यान नहीं दिया, इसी कारण मैं एकाग्र से पढ़ रहा था। तो ये होती है एकाग्रता कि आपको कैसे पढ़ना है। अब आप क्या करते हो, आपका दिमाग तो कहीं जाता है, आपका फ्रेंड कहता है यार चल यार अपन घूमने चलते हैं, अब आप घूमने गए, आप पढ़ने गए हो, लेकिन आपका दिमाग कहां रहेगा, पढ़ने में नहीं रहेगा। आपका दोस्त घूमने गए ना, वहां आपका दिमाग जाएगा, अरे यार वो वहां क्या कर रहे होंगे यार, अच्छा यार वो वहां मस्ती कर रहे होंगे, अच्छा वो यार अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं। आप सिटिंग तो हियर हो, यहां पर हो, लेकिन आपका माइंड कहां है, वहां है। तो फिर आपको कैसे याद होगा? 1 time only 1 work करें, एक बार में एक ही कार्य करें, एक बार में 1000 कार्य नहीं करें। अगर आप एक बार में 1000 कार्य करोगे ना, तो आपका माइंड कभी काम नहीं करेगा।